Asma Beauty Parlor and Institute. First time in Mumbra Multi-Speciality Beauty Parlor and Institute. Mumbra का सबसे बड़ा beauty parlor जहां आपको professional और certified beautician द्वारा hair and skin treatment provide की जाएगी. Asma Beauty Parlor and Institute. Special offer, buy one get one service free. Rush! Admission started for beautician and makeup artist courses at Asma Beauty Parlor and Institute, जो कि professional certified training institute है. Mehndi classes are also available. पानी जीवन का एक बेहद अहम हिस्सा है, मगर उसी पानी से अगर लोगों की सेहत का खिलवाड़ हो तो क्या कहेंगे आप. करीब 25 लाख ठाणे करों के सेहत का सवाल है. विरोधी पक्ष नेता अशरफ शानू पठान ने मनपा के स्टेम द्वारा दिए जा रहे पानी पर सवाल खड़ा किया है. उन्होंने कहा है कि ये पानी पीने योग्य है या नहीं, ये सबसे बड़ा सवाल है. विरोधी पक्ष नेता अशरफ शानू पठान ने आज यहाँ का दौरा किया. इस दौरान कई अधिकारी कर्मचारी भी वहाँ से नदारत रहे. बिना फिल्टर के पानी दिया जा रहा है, ऐसा आरोप शानू पठान लगा रहे हैं. ज़्यादातर फिल्टर बंद पड़े हुए हैं, मेंटेनेंस सही नहीं है, गंदा पानी पीने को लोग मजबूर हैं, जिसकी वजह से लोगों के सेहत से खिलवाड़ हो रहा है. शानू पठान का कहना है कि करोड़ों रुपए खर्च होते हैं, ऐसे में कॉन्ट्रैक्टर कंपनी को ब्लैक लिस्ट करना चाहिए. सबसे बड़ा सवाल शानू पठान ने ये उठाया है कि यहाँ से जो पानी पीने के लिए दिया जाता है वो पानी पीने योग्य है या नहीं. शानू पठान ने क्या कुछ कहा है, सुनिए. इस टाइम के दौरे के बाद जो जो चीज़ें यहाँ पे काम नहीं करती, जो अति आवश्यक जरूरी है, थाने करके 25 लाख लोगों को जो पानी दिया जाता है उनको स्वास्थ्य के लिए क्या क्या चीज़ चाहिए, वो सारी चीज़ें इसमें बने. फिल्टर चालू नहीं, सिस्टम बहुत जूना पुराना, पाइप पूरे लीकेज, बराबर पॉलिसम क्लोरोसाइड नॉट वर्किंग, CLFR ड्रेनेज ब्रिज नॉट वर्किंग, फ्लैट मिक्स मोटर नॉट वर्किंग, ट्रांसफर्ड ऑयल लीकेज. और जितने भी कर्मचारी है, 150 कर्मचारी यहाँ पे वॉलमैन और ये सब मिला के कोई उपलब्ध नहीं. एग्जीक्यूटिव इंजीनियर 10 दिन से आए नहीं. मतलब थाने करके स्वास्थ्य से कैसे खिलवाड़ किया जा रहा है. जो पानी देखा जा रहा है, आपने वो देखा ना फिल्टर पम्प जो दिखाए, वो साल साल भर से वो ये तो बोल रहा है 2 महीना हुआ है, लेकिन जो उसकी झाड़ की जो अंदाजा जो उगा हुए जो उसकी हाइट है वो कम से कम 4 फीट की. मेरे हिसाब से वो सालों से चालू नहीं. 22 फिल्टर में से 11 फिल्टर बंद है. स्वच्छ थाने, सुंदर थाने, ये स्वच्छता का एक उदाहरण है. थाने महानगर पालिका के चूक जो हमारा सिस्टम है, वो थाने कर को कैसा पानी दिया जा रहा है, इसकी शुद्धिकरण का ही सामने उदाहरण है. एक तरफ हम कोविड की तीसरी लहर की तैयारी कर रहे हैं, दूसरी लहर की तैयारी कर रहे हैं, जिससे कोविड में लोग मर रहे. कोविड की संख्या से ज़्यादा संख्या को ज्वाइंटिस और टाइफाइड से मरे हुए लोगों की है. आरोग्य विभाग की माहिती है, पानी के कारण बच्चे कितने मर रहे, बुजुर्ग कितने मर रहे, थाने करके स्वास्थ्य की कैसे धज्जियाँ उड़ाई जा रही है, ये उसका उदाहरण है. यहाँ पे सालों से कोई नहीं ध्यान दिया गया. मेरी माननीय कमिश्नर माननीय महापौर साहब से त्वरित बोलना है, और मैं सभी नगर सेवकों से विनती करता हूँ, 131 महापौर साथ, महापौर माननीय महापौर के साथ में मिलके, कि ये मेरा प्रश्न नहीं है, ये विक्रम भाई का प्रश्न नहीं है, ये प्रश्न नहीं है इन सबका, हमारे जितने भी लोगों का ये प्रश्न थाने करके 25 लाख लोगों का प्रश्न है. उसमें आप सब एकजुट होके ऐसे लोगों के ऊपर गुनाह दाखिल होना चाहिए, ऐसे कॉन्ट्रैक्टर के ऊपर गुनाह दाखिल होना चाहिए जिनकी वजह से कई लोगों की जाने गई थाने करके. और सभी नगर सेवक एकजुट होके महापौर और कमिश्नर साहब इसको ब्लैक लिस्टेड करे और इनके ऊपर कार्रवाई करे, तब जाके मालूम पड़ा कि थाने के स्वास्थ्य के साथ कितनी देखरेख की जरूरत. ठीक है, कुल मिला के कितना MLD पानी है, क्या खर्चा हो रहा है? 120 MLD पानी लगभग दिया जाता है स्टैम के जरिए. स्टैम से हम कुछ पानी हम महापालिका लेती है, जिसको 120 MLD पूरे थाना में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है. 120 MLD पानी इस तरीके से फिल्टर करके दिया जाता है, ये मैंने आपको साफ बता दिया. अब हमें देखना है हमारे नगर सेवक लोक प्रतिनिधि उनके प्रभाग की भी ये समस्या है, वो सब एकजुट होके एक तरफ आवाज उठा के ऐसे लोगों के ऊपर कड़ी कार्रवाई करके उनको ब्लैक लिस्टेड किया जाए और उनके ऊपर गुनाह दाखिल करे. और कमिश्नर साहब को इसके लिए तुरंत एक मीटिंग लगाना पड़ चाहिए तुरंत, कि 25 लाख लोगों के स्वास्थ्य के ऊपर से कैसा खिलवाड़ है. करोड़ों रुपए के खाली कॉन्ट्रैक्टरों की जेब में डालने के लिए ये किया जाता है इस्तेमाल. करोड़ों रुपये सालों से दिया जा रहा है,
लेकिन इसकी कोई देखरेख नहीं, क्योंकि एग्जीक्यूटिव इंजीनियर जो देखरेख करने वाले वो कई कई दिन तक आते नहीं। ये परिस्थिति है। अगर ये स्वस्थ थाने सुंदर थाने तो ऐसा स्वस्थ थाने सुंदर थाने कमिश्नर साहब हमें नहीं चाहिए। हम आपके आपके हाथ जोड़ के विनती करते हैं कि आप और मेयर साहब मिलकर इसके ऊपर मीटिंग लगा के सभी पार्टी के गत नेता और को बुला के प्रमुख नगर सेवक को बुला के ऐसे लोगों पर गुनाह दाखिल करके इनको ब्लैकलिस्टेड करें। सर अभियंता मुख्य अभियंता मिले क्या, फोन से क्या बात? कोई भी अधिकारी मिले नहीं है, बेचारे जो सामान चलने वाले कर्मचारी है वो मिले, और अभी मैं आया हूँ तो बाकी लोग भाग के आए। 150 लोगों की कर्मचारियों की ड्यूटी है, मतलब सर जो कई 100 करोड़ रुपए सालों से लिया जा रहा है लेकिन इसकी कोई देखरेख नहीं है। मुझे चिंता इस बात की है, पैसा एक बार जा रहा है, ऐसे तो कॉन्ट्रेक्टरों की जेब में बहुत पैसा जा रहा है, लेकिन सर इसके ऊपर स्वास्थ्य से तो मत खेलो, स्वास्थ्य से मत खेलो थाने करोगे। सर इसके पाण्याच्या प्रश्नावर महापालिकेत विशेष महासभा बोलवावी का? विशेष महासभा अगर आप नहीं बुला सकते, आपको गवर्नमेंट की गाइडलाइन है 50% ऑक्युपेंसी करके आप कर सकते महासभा, प्रमुख नगर सेवकों को बुलाया जाए। और मैं अपने दोस्तों सभी साथियों नगर सेवकों से बोलता हूँ कि मेरा विषय नहीं है ये, तुम आपके प्रभाग के नागरिकों का विवश प्रश्न है, उन नागरिकों के साथ ऐसा खिलवाड़ किया जा रहा है। आप सब एक होके ऐसे लोगों को कार्रवाई करें और उनके ऊपर गुनाह दाखिल होना चाहिए, ताकि नेक्स्ट ठेकेदार, नेक्स्ट कॉन्ट्रेक्टर, नेक्स्ट कर्मचारी थाने करके जो जीन उनकी जीवन है जीवन से वो खिलवाड़ ना करे। बच्चे बुजुर्ग की कैसी जान जा रही है, ये प्रश्न सबसे ज्यादा उपस्थित हो।